भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत दर्ज कर ली है। इसी के साथ रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सीरीज में भी कब्जा कर लिया है। सिर्फ 237 रन बनाने के बावजूद भी कैसे भारत ने हासिल की जीत, क्या रहा पूरे मैच का रिकॉर्ड और कैसे रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने रच दिया इतिहास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वेस्टइंडीज टीम के नियमित कप्तान केरान पोलार्ड के चोटिल होने के चलते निकोलस पुरन ने इस मैच में कप्तानी की। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज की टीम ने पहले गेंदबाजी चुनी, जिसके साथ रोहित शर्मा की टीम को मैदान पर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा। रोहित शर्मा ने सभी को चौंकाते हुए ओपनिंग जोड़ी के रूप में केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत से पारी की शुरुआत कराई। हालांकि उनका यह प्रयोग ज्यादा अच्छा साबित नहीं हो पाया। बल्लेबाजी के लिए उतरे रोहित शर्मा से सभी को काफी उम्मीदें थी। पिछले मैच में जिस तरह से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की थी, उससे ऐसा ही लग रहा था कि वो अपनी फॉर्म में भी हैं और इस मैच में भी जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले हैं। लेकिन मैच के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ही रोहित पवेलियन लौट गए। कुमार रोच ने होप के हाथों कैच कराकर रोहित को पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन का ही योगदान दे सके। वहीं रोहित के साथ बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग में उतरे ऋषभ पंत भी खराब शॉट लगाकर पवेलियन लौट गए। पंत को ओडिन स्मिथ ने 18 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा। ऋषभ पंत के आउट होते ही टीम इंडिया का स्कोर 12 ओवर में 39 रन पर 2 विकेट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे पूर्व कप्तान विराट कोहली से सभी को काफी उम्मीदें थी। हालांकि कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कोहली भी ओडिन स्मिथ का शिकार हो गए। विराट ने 30 गेंदें खेलकर सिर्फ 18 रन बनाए। विराट के आउट होते ही टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन हो गया। इस समय टीम इंडिया संकट में लग रही थी, लेकिन उप कप्तान केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने कुछ और ही ठान रखा था। दोनों ने पहले संभल कर बल्लेबाजी की, उसके बाद ताबड़तोड़ रन बनाना शुरू कर दिए। हालांकि मैच के तीसरे ओवर में केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के बीच तालमेल सही न होने के चलते भारत को एक और विकेट गंवाना पड़ा। केएल राहुल 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि रन लेने के लिए केएल राहुल ने ही बुलाया था। इस तरह 134 रन के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगा। दूसरे छोर पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने लगातार बड़े बड़े शॉट लगाना जारी रखा। बल्लेबाजी के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि मैच के 39वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी 64 रन बनाकर फैबियन एलिन का शिकार हो गए। जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए, तब टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था भारतीय टीम 200 रन का भी स्कोर नहीं छू पाएगी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर टीम के स्कोर को 200 रन के पास पहुंचा दिया। हालांकि टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंचता, इससे पहले ही 192 रन के स्कोर पर भारत को छठा झटका लग गया, जब वॉशिंगटन सुंदर 40 गेंदों में 24 रन बनाकर अकील हुसैन का शिकार हो गए। उसके बाद शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने मिलकर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। हालांकि शार्दुल ठाकुर भी 46वें ओवर में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ भारत को 212 रन के स्कोर पर 7वां झटका लगा। मोहम्मद सिराज भी ज्यादा देर तक नहीं खेल सके। मैच के 48वें ओवर में वो भी पवेलियन लौट गए। सिराज के आउट हो भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 224 रन हो गया। एक छोर पर खड़े दीपक हुड्डा ने बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाले रखी। हालांकि वो भी 49वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे। हुड्डा ने इस मैच में 29 रन का योगदान दिया। मैच के अंतिम दो ओवरों में चहल और प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलकर टीम के स्कोर को 237 रन तक पहुंचा दिया। 238 रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। वेस्टइंडीज की तरफ से श्रेय होप और ब्रेंडन किंग ने पारी की शुरुआत की, जबकि भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने नई गेंद संभाली। इस मैच में कप्तान रोहित ने शार्दुल ठाकुर को दूसरा ओवर थमाया, उन्होंने भी इसे सही साबित किया। शार्दुल ने अपना पहला ओवर ही मेडन डाल दिया। इसके साथ वेस्टइंडीज पर काफी दबाव बढ़ गया। रोहित ने गेंदबाजों में बदलाव करते हुए शार्दुल की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी पर लगाया। उन्होंने पहले ही ओवर में भारत को पहली सफलता दिला दी। ओवर की तीसरी गेंद में ही प्रसिद्ध कृष्णा ने किंग को 18 के स्कोर पर पंत के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। प्रसिद्ध कृष्णा यही नहीं रुके, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को मुश्किल में डाल दिया। कृष्णा ने पहले ओवर में ब्रेंडन किंग को आउट करने के बाद अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद में डैरेन ब्रावो को भी चलता कर दिया। उनकी गेंद पर ब्रावो के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। रोहित ने रिव्यू लिया और भारत को विकेट मिल गया। युजवेंद्र चहल ने पहली सफलता हासिल करते हुए वेस्टइंडीज को तीसरा झटका दिया। चहल ने श्रेय होप को 27 रन के स्कोर पर सूर्य कुमार के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। रोहित ने प्रसिद्ध कृष्णा को 20वें ओवर में एक बार फिर से गेंद थमाई और इस बार भी कप्तान के फैसले पर वह
खरे उतरे। कृष्णा ने अपने पांचवें ओवर की चौथी गेंद में निकोलस पूरन को 9 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने वेस्टइंडीज की बची उम्मीदों को भी तोड़ दिया। शार्दुल ने पिछले मैच में अर्धशतक जड़ने वाले जेसन होल्डर को पवेलियन की राह दिखा दी। ठाकुर ने छोटी गेंद डालकर होल्डर को 2 रन के स्कोर पर हुड्डा के हाथों कैच करा दिया। टीम में ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे दीपक हुड्डा ने अपने पहले ही ओवर में पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट ले लिया। उन्होंने ओवर की पांचवी गेंद में लय में दिख रहे शमार ब्रूक्स को पवेलियन भेजा। ब्रूक्स 44 रन बनाकर सूर्य कुमार को अपना कैच दे बैठे। 39वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने मैच में अपनी पहली सफलता हासिल की। उन्होंने महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ते हुए फेबियन एलन को 13 रन के स्कोर पर पंत के हाथों कैच करा दिया। इसके तुरंत बाद शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से भारत को बड़ा विकेट दिलाने में मदद की। इस बार उन्होंने अकील हुसैन को 34 रन के स्कोर पर पंत के हाथों कैच करा दिया। वेस्टइंडीज के लिए ओडिन स्मिथ ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी का कोहली ने अंत कर दिया। आखिरी विकेट सिद्ध कृष्णा ने लिया। इस तरह भारत ने दूसरा मैच 44 रनों के साथ जीत लिया। वेस्टइंडीज की टीम 193 रन पर सिमट गई। मैच के साथ भारत ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है। भारत की तरफ से गेंदबाजी के हीरो रहे प्रसिद्ध कृष्णा। कृष्णा ने 4 विकेट लिए। शार्दुल ने 2, चहल सुंदर सिराज और हुड्डा को 1-1 विकेट मिला। रोहित शर्मा के पूर्णकालिक कप्तान के रूप में ये पहली सीरीज में जीत थी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अपनी जमीन पर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दबदबा बरकरार रखा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 20 वनडे सीरीज हो चुकी है, लेकिन कभी भी टीम इंडिया कैरेबियाई टीम को क्लीन स्वीप नहीं कर पाई है। अब पहले 2 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के पास वेस्टइंडीज का सूफड़ा साफ करने का शानदार मौका है।